हाय गाइस, शुभम कुमार कम बैक विद अनदर वीडियो। और गाइस, क्या आपने कभी फर्स्ट एसी में सफर किया है? अगर नहीं किया है तो ये वीडियो आज आप ही के लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को लेकर के इंडियन रेलवे के फर्स्ट एसी के बारे में। आपको ये जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपको कभी भी अगर लाइफ में चांस मिलेगा फर्स्ट एसी में ट्रैवल करने का, सो आपको ये बातें अगर पता होगी तो आपका जो एक्सपीरियंस है वहां पे ट्रैवल करने का वो बहुत और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। गाइस, सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट फर्स्ट एसी में टिकट बुकिंग कराने को लेकर के है। अगर आप कभी भी फर्स्ट एसी के अंदर अपने लिए टिकट्स बुक कराने जाएंगे तो आपकी टिकट पे सीट नंबर लिखा हुआ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? जैसे आप कभी भी सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास के लिए जब भी टिकट बुक कराते हैं या किसी और एसी क्लास के लिए भी अगर टिकट बुक कराते हैं तो आपको कंफर्म टिकट जब आप बुक कराते हैं तो हाथ की हाथ कोच नंबर और सीट नंबर लिखा हुआ दिखा देता है। लेकिन अगर आप कराएंगे फर्स्ट एसी में कभी भी अपने लिए टिकट्स वगैरह बुक, तो आपको कोच नंबर तो वो दिखा देगा, सीट बता देगा कंफर्म है, लेकिन सीट नंबर नहीं बताएगा। इसके पीछे वजह क्या होती है गाइस? एक्चुअली होता क्या है कि रेलवे को कंफर्म नहीं होता बिल्कुल चार्ट बनने से पहले कि कितने लोग किस तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं। अर्थात मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल मान लो आप इंडिविजुअली ट्रैवल कर रहे हो, या आप विद कपल कर रहे हो, या आप विद फैमिली कर रहे हो, तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। अब जो फर्स्ट एसी कोच होता है उसके अंदर आप लोगों को पता है कि दो ही कपल, दो या आई थिंक तीन LHB कोचेस की अगर मैं बात करूँ तो तीन कपल के रूम्स होते हैं और चार या ऐसी कुछ होते हैं फोर बेड्स वाले फैमिली रूम्स। सो इनकी जो अलॉटमेंट प्रोसीजर है वो चार्ट बनने से जस्ट पहले करी जाती है। यानी कि जब आप कभी भी फर्स्ट एसी में अपनी टिकट्स बुक कराएंगे तो उसमें आपको सीट नंबर नहीं दिखाएगा। जब आप लोग जाएंगे, स्टेशन पहुंचेंगे और आपके कोच के बाद जो चार्ट लगा हुआ होगा उसके अंदर आपको देख के चढ़ना पड़ेगा, या आपके फ़ोन पे एक कन्फर्मेशन मैसेज दिया जाएगा कि आपकी जो सीट नंबर है वो ये है। गाइस, मेरे हिसाब से आपको ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा होगा। और वाकई में विचित्र बात है भी ये बात कि सीट नंबर ही नहीं मिलता। दूसरी बात जो मुझे सबसे ज्यादा अजीब लगी फर्स्ट एसी के अंदर वो ये कि इंडिया का फर्स्ट एसी, और अगर हम बात करें किसी फॉरेनर ट्रेन की या ब्रिटिश रेलवे वगैरह की कहीं की भी, तो उनका स्लीपर या थर्ड एसी एक बराबर होता है। ऑल दो चार्ज दोनों बराबर ही करते हैं, हम भी लगभग फर्स्ट एसी में उतने चार्ज करते हैं जितना वो थर्ड एसी या स्लीपर के लिए करते हैं, लेकिन आप फिर भी एक फर्क देखिए कि अगर वो लोग स्लीपर या थर्ड एसी में हमारे जैसी फैसिलिटी दे रहे हैं तो वो फर्स्ट क्लास में क्या देंगे? वो तो मतलब डेक्कन क्वीन और महाराजा एक्सप्रेस को फेल कर देंगे फिर तो। खैर, ये तो बात मजाक की थी, उनको फेल करना मजाक नहीं है जो वो दो ट्रेनें हमारी इंडिया में चलती हैं। उसके बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे फर्स्ट एसी के अंदर लगती है वो ये कि ये इंडियन रेलवे का एक इकलौते ऐसे कोचेस हैं। मैं अभी आप यहाँ मत ये मत कहना कि हम महाराजा एक्सप्रेस की बात भी करेंगे, ये इंडिया के इकलौते ऐसे कोचेज हैं जिनका सीटिंग कैपेसिटी सबसे कम है। अगर मैं यहाँ पे एल एच बी कोचेज को इंक्लूड करूँ तो उनमें सीटिंग कैपेसिटी लगभग 24 होती है, और अगर मैं आपसे बात करूँ ICF कोचेज की तो उनमें 18 से 20 की पैसेंजर कैपेसिटी रहती है। इकलौते ऐसे डब्बे हैं जिनमें इतने ही कम पैसेंजर होते हैं। गाइज, आपने जब कभी भी किसी ना कभी भी ट्रेन वगैरह को देखा होगा अपने पास से निकलते हुए, जब भी उसमें देखा होगा जो फर्स्ट एसी का कोच होता है उसके ठीक बगल में पेंट्री कार लगाई जाती है। अभी पेंट्री कार क्यों लगाई जाती है? पेंट्री कार एक्चुअली इसलिए लगाई जाती है ताकि आप लोग जो भी फर्स्ट एसी के पैसेंजर हैं वो कुछ ऑर्डर वगैरह करें तो उनको जल्दी सप्लाई किया जा सके। एक्चुअली होता क्या है, फर्स्ट एसी में आप लोग कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, ये फर्क नहीं पड़ता आपको, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको लिमिटेड मेन्यू में से कुछ ऑर्डर करना है, आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। ऑल दो ज्यादातर ट्रेन में आपको मेन्यू दिया जाता है वो कहीं ना कहीं उनकी सरदर्दी बचाने के लिए, लेकिन एज अ पैसेंजर, एज अ रेलवे कस्टमर, आपका ये हक है कि अगर आप फर्स्ट एसी में ट्रेवल कर रहे हो तो आप कोई भी चीज डिमांड कर सकते हैं। दिस इज योर कंज्यूमर पॉइंट, मैं कह सकता हूँ। यहाँ पे एक और बात मुझे सबसे अजीब लगती है फर्स्ट एसी के अंदर, अजीब भी और इंटरेस्टिंग भी, वो ये कि इंडियन रेलवे के फर्स्ट एसी इतने कॉस्टली हैं कि आपको अगर किसी भी डेस्टिनेशन में ट्रैवल करना है तो आप फ्लाइट से भी जा सकते हैं। ऑल दो आपको प्लेन में इकोनॉमी क्लास ही मिलेगा, बिजनेस क्लास नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मतलब अगर आप यहाँ टाइम बचाने की बात करें तो रेलवे उसके मुकाबले 10 आवर्स लेता है। अगर मैं यहाँ से दिल्ली टू मुंबई की बात करूँ तो लगभग 16 से 17 घंटे राजधानी ले लेती है, लेकिन अगर मैं आपसे फ्लाइट की बात करूँ तो लगभग
ढाई से तीन घंटे में आप यहाँ से मुंबई आराम से पहुँच जाएंगे। लेकिन वो लग्जरी नहीं मिलेगी आपको फ्लाइट में, और वो लग्जरी यहाँ पे मिलेगी आपको मुंबई राजधानी में। एक और जो बात मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है फर्स्ट एसी के अंदर, वो ये कि अगर आप किसी भी उससे ट्रैवल करें, मतलब क्लास से, थर्ड एसी या सेकंड एसी, उसमें अटेंडेंट कॉल बटन नहीं होता। लेकिन अगर आप फर्स्ट एसी ट्रैवल करेंगे तो उसके अंदर एक अटेंडेंट कॉल बटन दिया जाता है। यहाँ पे इसका एक बहुत बड़ा फायदा क्या होता है कि जैसे अगर आपने थर्ड एसी वगैरह में ट्रैवल किया होगा तो आपकी जब जर्नी शुरू होने से पहले आपको एक बेडिंग का शीट, मतलब एक पैकेट सा दे दिया जाता है जिसके अंदर आपकी पिलोस तो खैर रखा ही होता है पहले से ही, वहाँ पे बेडशीट्स वगैरह होती हैं और उसको आपको खुद बिछाना पड़ता है। लेकिन आप अगर फर्स्ट एसी में होंगे तो आप बस एक उस कॉल बटन को दबाइए शाम के, रात के टाइम, और अटेंडेंट आके आपकी जो बेडिंग है उसको प्रॉपरली तैयार करके जाएगा। ये बात बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगी फर्स्ट एसी वगैरह को लेकर के। सो गाइस, देखते हैं कभी को मौका मिलेगा फर्स्ट एसी में जाने का तो मैं आप लोगों के लिए एक ज़रूर फिजिकल ओवरव्यू जरूर लाऊंगा और कुछ वीडियोज़ वगैरह भी आपके लिए लेके आऊँगा मैं फर्स्ट एसी को लेकर के। सो गाइस, मेरे हिसाब से काफ़ी सारे मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे आप लोगों के सामने डिस्क्लोज करें फर्स्ट एसी को लेके। अगर आपको इनमें से कोई और अच्छा लगता है इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगा कि अगर मुझे काफ़ी सारे कमेंट मिले तो मैं एक वीडियो और कंपाइल कर दूँ इसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतने मिलते हैं दूसरी वीडियो में। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू गाइस।